चंडीगढ़ में मौसम बदल रहा है, कभी धूप है तो कभी छांव। इसी प्रकार चुनाव को लेकर लोगों की राय भी बदल रही है। आइए जानते हैं लोगों की चुनाव को लेकर और क्या राय है। ये रोहित। रोहित जी कहाँ से आप? मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली में अभी जो फिलहाल सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब सबको पता है कि सरकार तो बीजेपी की ही आनी है, तो मेरे हिसाब से बीजेपी की ही सरकार आएगी। सर अच्छे दिन आ चुके हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मे भी आने वाले 2-3 साल में लगे कि हाँ मतलब ऐसा कुछ लगे कि हाँ अच्छे दिन आ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जब सरकार मतलब उनकी बनने वाली थी तो उन्होंने बोला था मुझे 15 साल दे दो, मतलब 3 बार अगर वो पीएम बन जाते हैं तो मतलब ऐसा है ना, एक नींव होती है ना, नींव रखी जाती है गवर्नमेंट में, तो उसके रिगार्डिंग मतलब अगर 10 साल उनकी गवर्नमेंट रहती है तो शायद वो चीज़ दिखाई दे जो अभी पिछले 5 सालों में नहीं दिखाई दी। अभी तो मतलब जनता को दिखा नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन वो आने वाले दिनों में दिखेगा ऐसा मानना है। आप कहाँ से? पंजाब से। खन्ना सर। खन्ना सर, तो पंजाब में किसकी सरकार का जोर देखते हैं? हम तो कांग्रेस की सरकार देखते हैं। कांग्रेस? कांग्रेस क्यों सर? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। पंजाब से मोदी जी कोई लहर नहीं। अच्छा, जो अकाली दल है उसको? अकाली दल भी कोई लहर नहीं, काफी विवादांश करे हुए। नशों को लेकर अक्सर पंजाब सुर्खियों में रहता है, तो नशे को लेकर आप क्या दिखेंगे कि कांग्रेस ने नशा कुछ कम किया है कि नहीं? ये तो सबन पता भी नशा तो कम हो गया, जिन्हें पर्चे दर्ज हुए ने नशा बेचते थी, अभी तो ये कहने अभी नशा और भी खत्म हो जाएगा जे सारे सहयोग देना। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो तो नहीं गली गली जाके ये कम कर सकते भी, वो अपने नशे बेचने वाले बंदे फड़ सकते, ये तो पुलिस भी साथ देगी तो लोग भी साथ देंगे तो ज्यादा वधिया होगा। अच्छे दिन तो आ गए सबके, 15-15 लाख खाते में पड़ गया, कोई काम करने की लोड़ ही नहीं है, अच्छे दिन तो आई है। अजीत जी। सर अजीत जी आप कहाँ से? मैं जमालपुर से जी। हरियाणा। हरियाणा में किस सरकार का जोर लग रहा है सर? हरियाणा में कांग्रेस सरकार का जोर लग रहा है। कांग्रेस क्यों सर? कांग्रेस ने काम किए हैं किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, जमींदार के लिए। मोदी ने काम ही नहीं किया कुछ भी। अच्छा, कोई लहर नहीं है, मतलब आपके कोई भी लहर नहीं है श्री मोदी, कोई खट्टर की कोई लहर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल देखा है। आपका नाम? देखा है। मतलब भाजपा के लिए क्या है? खत्म से मारा तो कांग्रेस जीतेगी, हर जमानो तोड़ बिठाओगे, तोड़ बिठाना पड़ेगा। और बुआणी खेड़ा था भाई राम किशन फौजी फुल बहुमत तो जीतेगा। बुरे दिन आगे अच्छे दिन तो आए नहीं। अच्छा, किसी अच्छे दिन किस किस के आए बोलो? ये फिल्म रिलीज कर रहे हैं या मले राजनीति कर रहे हैं? इनको मले राजनीति का ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, तो आपके नजरिए में फिल्मी सितारों का राजनीति में आना कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। जो जमीन से जुड़े हुए हैं ना, जीरो ग्राउंड से जो गांव में रहे हैं, जो राजनीति में वे कर उन बेरा है आम आदमी की समस्या के। सन्नी देओल ने बैठे ना बेरा के बम्बई में, आम आदमी के लिए दिक्कत की है। ये आपका घर आ रहा है ना कि बम्बई रहते हो ठीक से, ये फिल्म में अच्छे लगे हैं। मोहम्मद अशर खान। मोहम्मद जी आप कहाँ से? मैं लखनऊ से। लखनऊ से, तो इस बार किसकी सरकार को देखते हैं जी? सरकार को तो ऐसे नहीं देख सकते, जो वहाँ का प्रॉपर कैंडिडेट है हम तो उसको वोट डालते हैं। अब वो वहाँ पे काम करता है तो उसको जीतना चाहिए। कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है, लेकिन उनका एक प्रॉपर लीडर देखा जाए तो वो एक सही से नहीं हो पा रहा है। दैट्स द रीजन कि एक गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अब उसका प्रॉपर लीडर कौन बनता है? क्योंकि वो वीक हो जाएगी गवर्नमेंट अगर उसका प्रॉपर लीडर नहीं है तो मे बी अगर वो बन भी जाती है तो शायद मे बी वो वीक गवर्नमेंट हो तो फिर से बीजेपी की तरफ एक प्लस पॉइंट हो सकता है। मेरा नाम रितेश कुमार है। रितेश जी कहाँ से आप? जी मैं अमेठी से हूँ, वहाँ मेरा कॉलेज है। तो सर अमेठी से किसकी सरकार को देखते हैं कि सत्ता में किसकी सरकार आएगी? देखिए सर मैं इस पे तो नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन मैंने जो वोटिंग किया है वो मैंने कैंडिडेट देख कर की है वोटिंग। अच्छा। मैंने उसे देखा कि वो कितना काम कर सकते हैं और फिर उनके पिछले बैकग्राउंड क्या थे, तो मैंने वोटिंग की है। तो भारतवर्ष बहुत बड़ा है, ये भी देखना चाहिए, बहुत जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे कांग्रेस के भी लहर चल रहे होंगे, मुझे नहीं पता। डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसमें टाइम लगेगा, हो रहा है अच्छा, रेट इज गुड, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर इन कमिंग ईयर। अच्छे दिन अभी तक तो नहीं आए बट वी एक्सपेक्ट आ जाए। तो ये थे कुछ आम लोगों की राय
कि किस सरकार को सत्ता में आना चाहिए। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मनदीप गौतम की रिपोर्ट।